हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी हमने यूनिट 5 स्टार्ट की थी। पिछले लेक्चर में हमने देखा था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एंड मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, उनको कैसे हम मेजर कर सकते हैं। तो 3 टाइप्स के मेजरमेंट मेथड्स हमने वहाँ पर सिर्फ नाम देखा था। अब हम जो फर्स्ट टाइप होगा मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव कंपाउंड, तो उसका फर्स्ट टाइप हम आज के इस लेक्चर में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइप है हमारा इसका द गीगर मूलर काउंटर। तो जो गीगर मूलर काउंटर है वो बेसिकली 2 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था इसके बारे में, गीगर एंड मूलर, उन्हीं के नाम से इसका नाम रखा गया है इस एपरेटस का, जो बेसिकली रेडियो एक्टिव जो सबस्टेंस हैं उनको आइडेंटिफाई करने में, उनको डिटेक्ट करने में, मेजर करने में, उनको काउंट करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेज नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, डायरेक्ट कटारिया फार्मेसी के नाम से आपको मिल जाएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके ज्वाइन कीजिए और अफोर्डेबल प्राइस में आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं द गीगर मूलर काउंटर। द पार्टिकल डिटेक्शन डेवलपमेंट बाय गीगर एंड मूलर इज गैस फील्ड काउंटर। मतलब जो ये एपरेटस बनाया गया था बेसिकली ये गैस फील्ड था, मतलब इसके अंदर एक मेटल के कंटेनर के अंदर, एक ट्यूब के अंदर बेसिकली गैस फील होती है, उसी के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज एक्चुअली यूज फॉर डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन। किस लिए यूज किया जाता है? मेन जो यूज होगा इसका वो होगा डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन, लाइक जैसे अल्फा पार्टिकल, गामा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल, जो रेडिएशंस होती हैं उनको मेजर करने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ए गीगर मूलर काउंटर कैन काउंट इंडिविजुअल पार्टिकल। ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स को काउंट करता है, किसी भी पार्टिकल को ये मिस नहीं करता है, एट रेट अप टू अबाउट 10,000 पर सेकेंड। मतलब 10,000 जो नंबर्स हैं वो बेसिकली एक पर सेकेंड ये काउंट कर सकता है, ये इसकी कैपेसिटी है। एंड इट इज वाइडली यूज्ड वाइडली इन मेडिसिन एंड प्रोस्पेक्टली फॉर रेडियो एक्टिव ऑरिस। मतलब कि इसका यूज़ किया जाता है मेडिसिन को बनाने में, रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो उनको आइडेंटिफाई करने, मेजर करने में। तो ये हो गया इसका जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ गीगर मूलर काउंटर। इसमें आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली ये प्रिंसिपल पे काम करता है, गेस्ट फील्ड होता है और यूज किया जाता है मेजरमेंट ऑफ डिटेक्शन ऑफ गामा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, अल्फा रेडिएशन। तो आगे बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ गीगर मूलर काउंटर। यहाँ पे हमने डायग्राम नहीं लिया है, अगर आपको डायग्राम देखना हो तो आप गूगल पे जाइए और ये नाम डाल देना, आपको अच्छा सा डायग्राम मिल जाएगा, वो भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं थ्योरी की, कैसे से बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन क्या है इसका। तो मोटा मोटी मैं बता दूँ आपको, तो एक ट्यूब होती है मेटल की जिसके अंदर एक वायर लगा हुआ होता है, और यहाँ से एक लेयर बनी हुई होती है, एक इधर लेयर बनी हुई होती है, और एक इलेक्ट्रोड इससे लगा हुआ होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक बैटरी इससे कनेक्ट होती है। तो अब देख लेते हैं इसकी थ्योरी। इट कंसिस्ट ऑफ ए होलो मेटल केस एनक्लोज इन द थिन ग्लास ट्यूब। मतलब एक होलो मेटल होगी, मतलब जिसके अंदर आर पार आप मतलब छेद होगा, तो वो होलो मेटल होगा और किससे कवर्ड होगी? ग्लास ट्यूब से। दिस होलो मेटल केस एक्ट एज कैथोड, ये किसके रूप में काम करेगा? कैथोड के रूप में। फाइन टंगस्टन वायर इज स्ट्रेच अलोंग द एक्सिस ऑफ द ट्यूब। इसके बीचों बीच एक फाइन टंगस्टन का वायर होगा जो बेसिकली क्या करेगा? एनोड का काम करेगा। द ट्यूब इज इवेक्यूएटेड एंड देन पार्शियली फिल्ड विद मिक्सचर ऑफ 90% ऑफ आर्गन। जो गैस होगी इसके अंदर वो होगी आर्गन, 90% आर्गन गैस इसके अंदर फिल होगी एट 10 cm प्रेशर, ये प्रेशर होगा इसका गैस का। एंड 10% इथाइल अल्कोहल वेपर एट 1 cm प्रेशर। मतलब इसके अलावा 90% हमारे ऑर्गन हो गई और 10% इथाइल अल्कोहल इसके अंदर, इथाइल अल्कोहल का वेपर फिल होगा। तो गैस का भी पता चल गया कौन सी गैस इसके अंदर फिल हो रही है। द फाइन टंगस्टन वायर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए हाई टेंशन बैटरी।
मतलब कि जो टंगस्टन वायर होगा वो बेसिकली पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और एक हाई टेंशन बैटरी से ये कनेक्ट होगा थ्रू ये रेसिस्टेंस, इसके बीच रेसिस्टेंस लगा हुआ होगा आर एंड द नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द मेटल ट्यूब, और जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो मेटल ट्यूब से कनेक्ट होगा। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक डायग्राम कैसे बनने वाला है। या तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना सकता था या थ्योरी लिख सकता था। डायग्राम आप इजीली बना लोगे, ज्यादा हार्ड डायग्राम नहीं है। द डायरेक्ट करंट वोल्टेज इज कीप स्लाइटली लेस देन विच विल कॉज ए डिस्चार्ज बिटवीन द इलेक्ट्रोड, मतलब जो करंट होगा वो डायरेक्टली फ्लो होगा बैटरी से कनेक्ट करने के बाद। ए वन एंड ऑफ द ट्यूब ए थिन विंडो, एक साइड में क्या होता है, एक थिन विंडो मीका अटैच होता है ट्यूब के, जो अरेंज करता है अलाउ द एंट्री ऑफ रेडिएशन इनटू ट्यूब, जो अलाउ करता है किसको, रेडिएशन को ट्यूब के अंदर आना है या नहीं। कौन सा विंडो होगा, मीका इसका ये नाम है। बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ गीगर मूलर काउंटर। हमने देखा है कंस्ट्रक्शन कैसे बना हुआ है, अब देखना है कि ये वर्क कैसे करता है। व्हेन एन आयोनाइजिंग पार्टिकल पास थ्रू द गैस, जब जो आयनाइजिंग पार्टिकल जिसे हमें डिटेक्ट करना है, मेजर करना है, वो पास होगा ट्यूब के द्वारा, ट्यूब के अंदर गैस फिल है, गैस के द्वारा इन एन आयोनाइजिंग चेम्बर क्या होगा उसके अंदर, इट प्रोड्यूस ए फ्यू आयन्स, कुछ आयन्स वो प्रोड्यूस करेगा। इफ द अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस इज स्ट्रोंग, जब जो हम पोटेंशियल अप्लाई कर लें उसको थोड़ा स्ट्रोंग करेंगे, दीज आयन विल प्रोड्यूस ए सेकेंडरी आयन, उसके बाद जो आयन प्रोड्यूस हुए हैं वो और सेकेंडरी आयन्स प्रोड्यूस करेंगे, तो जो टोटल इफेक्ट होगा सेकेंडरी आयन प्रोड्यूस करने का ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, टू द एनर्जी, कितनी एनर्जी उसको रिक्वायर्ड हुई है विथ प्राइमरी आयनाइजिंग इवेंट, मतलब प्राइमरी जब आयन प्रोड्यूस हुए थे उस कंडीशन में कितनी एनर्जी मिली थी, और जो हमारे सेकेंडरी आयन का जो टोटल इफेक्ट है, कितने आयन्स निकले हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं इनडायरेक्टली। काउंटिंग इफिशियंसी क्या फॉर्मूला है इसका, एन इज टू 1 माइनस ई इंटू पी एस पी आई। तो एस पी आई का मतलब क्या है, यहाँ पर ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। एस का मतलब है स्पेसिफिक आयोनाइजेशन एट 1 एटमोस्फियर, की कितना आयोनाइजेशन हुआ है। पी है प्रेशर इन द एटमोस्फियर, कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है। आई है पाथ लेंथ ऑफ द आयोनाइजेशन पार्टिकल इन काउंटर, कि जो आयोनाइज पार्टिकल हुए हैं उनकी लेंथ कितनी है, कितने दूर पे वो प्रेजेंट हैं आयोनाइजेशन चेम्बर के अंदर। तो ये हो गया हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ गीगर मूलर काउंटर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ गीगर मूलर काउंटर, प्रिंसिपल ऑफ गीगर मूलर काउंटर। अब देख लेते हैं हम इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड यूजेस। तो बात कर लेते हैं एडवांटेज की, गीगर मूलर काउंटर के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज है इसका, दे आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, मतलब बहुत ही कम एक्सपेंसिव है, इजीली इसको अफोर्ड किया जा सकता है। दे आर ड्यूरेबल एंड इजीली पोर्टेबल, मतलब कि इजीली इसको हम कैरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, ड्यूरेबल है, पोर्टेबल है। दे कैन डिटेक्ट ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन, ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन को ये डिटेक्ट कर सकता है, ये इसकी क्वालिटी होती है। बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेज की। मेन डिसएडवांटेज इसका यही है कि ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि किस विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज डिटेक्टेड, कौन से टाइप की रेडिएशन डिटेक्ट की गई है, ये इसके द्वारा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ये इसका बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। दे हैव वेरी लो इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी है बहुत ही कम होती है। बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस की। टू चेक पॉसिबल लीकेज और एक्सपोजर टू एक्सरेज इन मेडिकल फैसिलिटी, मतलब अगर किसी कारणवश कोई भी रेज, एक्सरे, एक्सपोजर, कोई भी लीकेज हो गया है, तो रेडिएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है कि कौन सी रेडिएशन लीक हुई है। टू चेक द रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन ऑफ क्लोथिंग एंड शूज इन योर वर्क प्लेस, कि अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं, कोई अच्छी मेडिसिन आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपके क्लोथ कोई कंटामिनेटेड नहीं है या शूज आपके कंटामिनेटेड हैं किसी रेडिएशन से, तो उसको इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
रेडिएशन डिटेक्शन इन द स्कार्प मेटल प्रोसेसिंग बिजनेस, कोई स्कार्प मेटल प्रोसेसिंग बिजनेस है उसके अंदर देखिए मेटल्स के अंदर कोई भी रेडिएशन हो सकता है, तो उसको भी इसके द्वारा इस रेडिएशंस को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली जो मेन वर्क होगा इसका डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ द रेडिएशंस। तो आई होप गीगर मूलर काउंटर आपको कवर हो चुका है। अगर आपको एक एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इसको मिस नहीं करेंगे, अच्छे से लिखेंगे, डायग्राम भी बनाएंगे, मैंने डायग्राम नहीं बनाया है यहाँ पे, तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। तो बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको भी अच्छे से स्टडी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।